महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो सही काम है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नीति आयोग कर रहे हैं, और अनेक जो उपलब्धियां हैं, जो जो हमारे जो 10 चिन्हित जिले थे जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता था, उन जिलों में भी बहुत सारी उपलब्धियां हुई है। उसका भी ट्वीट नीति आयोग ने उसका समर्थन किया है, स्वागत किया है। कल भी प्रधानमंत्री ने जो उसके कार्यालय से जो विज्ञापन आया था, जिसमें आवास की संख्या, उसमें गैस सिलेंडर की संख्या और आपके नल जल योजना की, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि नल जल योजना असफल है, और दूसरा कह रहे हैं आवास की स्थिति खराब है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उसके लिखा है कि छत्तीसगढ़ में इतना 17 लाख लोगों को नल से जल मिल गया है, 34 लाख लोगों को आवास मिल चुका है, 35 लाख लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, तो ये उपलब्धि बता रहे हैं। और इस उपलब्धि में राज्य सरकार की उपलब्धि भी, क्योंकि 50% पैसा राज्य सरकार का है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को, दूसरे तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सर, इससे पहले उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, कोई प्लानिंग है नहीं, तो ये मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाली बात है, और कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की बात करते हैं चुनावी। देखिए, सीधी बात ये है कि मैं उस दिन भी बात किया था जब देश के गृह मंत्री जी एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश है वो अम्बेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलेगा। उसके बाद ये जितने भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं, उनको तो अमित शाह जी का घेराव कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक है ना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को छत्तीसगढ़ से लागू नहीं होगा या किसी और राज्य से लागू नहीं होगा, ये तो पूरे देश में लागू हो। देश के गृह मंत्री जी बयान दिए हैं तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। तो जो शंकराचार्य जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने भी कही। लोगों को सपना, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं राम राज आना चाहिए, जब कोई अच्छा काम हो जाता है राम राज उतर आया है, ये कहते हैं। तो एक आदर्श स्थिति है राम राज्य की, और छत्तीसगढ़ सरकार उसी समय चल रही है। अब आजकल ब्रिज मोहन अग्रवाल जी को बयान देना, इसलिए बयान देते रहते हैं। डबल टारगेट दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कि 2023 भी जीतने, 2024 भी जीतने, नितिन नवीन और ओम माथुर का बैठ के भी, डबल टारगेट पे क्या कहेंगे? अब वो टारगेट कुछ भी दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गलती से भी बन गई तो उनका धान 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाएगा, उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ के राजीव गांधी जो न्याय योजना है वो नहीं मिलेगा, गोधन न्याय योजना बंद हो जाएगा, वो सब जान रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गलती से भी नहीं आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं जीतने देंगे भारतीय जनता पार्टी। आवास का मुद्दा उठाया है हमने, भारत सरकार की चिट्ठी लिखी भाई कि जनगणना होगी, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण होगा, तब तो उसको हितग्राहियों की चिन्हांकन किया जा सकेगा। उन्होंने नहीं किया तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहा है, और 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हमने जो घोषणा की उसके अनुसार से, और सभी गाँव में अभी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी भत्ता है, रमन सिंह की सरकार में 15 साल में 100 करोड़ रुपये दिए, 300 रुपये देते थे और 11,000 रुपया उसका वार्षिक आमदनी की बात करते थे, हमने तो बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया वार्षिक आमदनी 18 साल से 35 साल, और घर बैठे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं भाई, वहाँ तो खुद खड़ा होना पड़ता था। तो आज वो स्थिति नहीं है। कल मैं जसपुर और अंबिकापुर गया था, दर्जनों हम नौजवान लड़के लड़कियां मुझे धन्यवाद दिए कि हमको अब 2,500 रुपया मिलने लगा है। तो कुछ लोगों ने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, कुछ लोगों ने कहा पैसा आया, तो इस प्रकार से बातें आ रही है। तो जो 30 अप्रैल तक की जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो आवेदन होगा, जिसका 2 साल पहले से आवेदन है और वो पात्र पाए जाते हैं, तो 1 अप्रैल से ही उसको दिया जाएगा। 10 तारीख को राहुल जी जा रहे हैं तो उसमें मैं भी शामिल होऊंगा। राहुल जी ने उस दिन सूरत से दिल्ली आ रहे थे तब उन्होंने कहा कि 10 तारीख को जा रहा हूँ, साथ में रहना है। प्रियंका गांधी जा रही, तैयारी जोर शोर से की जा रही है? हाँ, अभी 13 तारीख को
उन्होंने समय दिया है 13 अप्रैल को, और भरोसा सम्मेलन जैसे सरगांव में किए थे वैसी अब जगदलपुर में होगा। और क्षेत्रीय विधायक अरुण बोरा जो रहेंगे अब लगातार अब जो भेंट मुलाकात का जो दायरा था पूरे प्रदेश भर अब सिमटते जा रहा है। रायपुर शहर, बिलासपुर, मुंगेली और कुछ धमतरी के इस प्रकार से बचे हैं। बहुत सारे नवाचार हम लोगों ने किया बस्तर में, जैसे काफ़ी बात है अभी वहाँ के स्व सहायता समूह महिलाओं ने पपीता वगैरह खेती की थी, मिर्ची की खेती हो रही है अब रबर की भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस प्रकार से है तो वहाँ उस प्रकार से रबर की भी खेती की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।